प्लेजरिज्म चेकर के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे, उसमें से एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि अनलिमिटेड प्लेजरिज्म आप कैसे चेक कर सकते हो, और उस वीडियो पे काफ़ी सारे व्यूज़ आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जिस वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रहा था वो वेबसाइट का जो कंटेंट है उन्होंने चेंज कर दिया, और उसके बाद वहाँ पे प्लेजरिज्म चेक करना बंद हो गया। तो काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स मुझे आने लगे, तो मैंने सोचा कि यही सही टाइम है कि प्लेजरिज्म चेकर पे एक नया वीडियो बनाया जाए, और इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट करके बताया जाए कि कौन सा प्लेजरिज्म चेकर है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली गूगल में सर्च करेंगे प्लेजरिज्म चेकर। अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के बारे में या ब्लॉगिंग के बारे में या इस तरह तरह के जो टेक्नोलॉजिकल थिंग्स है, अनबॉक्सिंग हो गया, तो सारी चीज़ें के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ वो बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप कभी मिस ना करो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, और गूगल में सीधा सर्च करते हैं प्लेजरिज्म चेकर करके। तो प्लेजरिज्म चेकर करके आपको जैसे ही टाइप करोगे तो आपको सजेशन में यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड करके आ रहा है, ये भी एक ऐड है और इसके नीचे भी एक ऐड है, तो तीन ऐड आए हैं। और उसके बाद आप लिस्टिंग देख सकते हो, जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है गूगल की, उसमें सबसे ऊपर आता है स्मॉल SEO टूल्स। तो मैंने इन जो जो टॉप में हैं उनको यहाँ पे ओपन कर लिया है। जो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल SEO टूल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, उसके साथ ये क्विल SEO टूल करके, ये क्विल SEO टूल एक्चुअली जो यहाँ पे ऐड दिखा रहा है, लेकिन ये सिमिलर टू स्मॉल SEO टूल जैसा ही है, सिर्फ वेबसाइट का नाम अलग है लेकिन इंटरफेस एंड ऑल एवरीथिंग इज़ एज सिमिलर एज स्मॉल SEO टूल्स। तो उसके बाद डुप्ली चेकर आता है, डुप्ली चेकर पे भी मैंने वीडियो बनाए थे पहले भी। डुप्ली चेकर फ्री में आप 1000 वर्ड तक उस पर बना सकते हो, आप यहाँ पे डुप्ली चेकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर हम डुप्ली चेकर के यहाँ पे आ जाएंगे तो आप 1000 वर्ड लिमिट आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आपको आता है प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net। तो प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net भी एक अच्छी साइट है, इसको हमने पहले भी टेस्ट किया था, आज हम वापस टेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रामरली। ग्रामरली सबको पता है एक काफ़ी प्रीमियम वेबसाइट है, लेकिन आप फ्री में वहाँ पे प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो, लेकिन आपको इतना ही पता चलेगा कि कंटेंट आपका जो है वो कितना प्लेजराइज्ड है, आई मीन परसेंटेज वाइज नहीं पता चलेगा, आपको सिर्फ बताएगा सिग्निफिकेंटली प्लेजराइज्ड है या उससे कम है, मॉडरेट है या बिल्कुल भी प्लेजराइज नहीं है। ये सारी चीज़ें यही चीज़ें ग्रामरली आपको बताएगा, उसके अलावा आपको ज़्यादा डिटेल में ग्रामरली कुछ भी नहीं बताएगा कौन सी साइट से प्लेजराइज है। तो उसके लिए आपको उनका पेड वर्जन खरीदना पड़ता है, लेकिन हम ग्रामरली को भी चेक करेंगे कि ग्रामरली के रिजल्ट भी कैसे आते हैं। उसके बाद आता है qtext.com करके। qtext को मैंने पेड वर्जन यूज़ किया था, और तो जब भी मैंने इसका पेड वर्जन यूज़ किया था तभी मुझे इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ख़राब आया था। $20 में मैंने ये ख़रीदा था तभी, लेकिन जो रिज़ल्ट पेड वर्जन qtext का बता रहा था उससे मैं काफ़ी निराश था। आई मीन उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से गलत प्लेजरिज्म बता रहा था। अगर कोई टेक्स्ट है जो प्लेजराइज्ड है लेकिन वो पेड वर्जन में नहीं बता रहा था, और मैंने ऑनलाइन पे उसके प्रूव करके भी दिखाया था कि किस तरह से पेड वर्जन है वो अच्छे तरह से काम नहीं करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं qtext फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी एक्यूरेट है, तो हम वही चेक करेंगे। हम लाइव टेस्ट में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। उसके बाद आता है check-plagiarism.com। तो इसको भी मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, लेकिन मैं आपके सामने वापस इसको ऑनलाइन हम चेक करेंगे कि किस तरह से रिज़ल्ट आते हैं। उसके बाद आता है prepost.seo.com करके। तो prepost.seo.com जो है वो ये वाला वेबसाइट है, और जिस पे आपको 1000 वर्ड मिलते हैं, और एक वेबसाइट है जिस पे आपको 2000 वर्ड का लिमिट मिलता है, ये जो है check-plagiarism.com। इस पे आप 2000 तक के वर्ड्स जो है का आर्टिकल है जो आप चेक कर सकते हो।
और उसके बाद में आता है plagiarismchecker.co। तो ये लगभग मेरे ख्याल से 8 प्लेजरिज्म चेकर हो गए जो टॉप 10 में आते हैं गूगल की ऑर्गेनिक लिस्टिंग में और ऑर्गेनिक सर्च में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 हो गए यहाँ पे। और मैंने वर्ड काउंट वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो उसके अभी सिर्फ वर्ड काउंट करने के लिए कितने वर्ड हम लोग चेक करने वाले हैं प्लेजरिज्म के लिए। तो एक नई टैब खोल लेता हूँ यहाँ पे और कोई टॉपिक सर्च कर लेता हूँ, लाइक व्हाट इज वेब 3.0। ओके, तो वेब 3.0 का यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। और सबसे पहले जो आती है स्कीमा में जो है व्हाट इज़ वेब 3.0, techtarget.com की सर्च रिज़ल्ट सबसे ऊपर में आता है। तो मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ, यही फाइल मैंने टेस्ट के लिए यूज़ की थी। तो अभी मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, वेब 3 बीच में शुरुआत करता हूँ। पहले मैंने ऊपर से शुरुआत की थी और थोड़ा टेक्स्ट हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस वेबसाइट से। ठीक है, इतना कितने वर्ड हो गए एक बार चेक कर लेंगे। ये अराउंड 578 वर्ड्स हो चुके, ठीक है, इनफ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्मॉल SEO टूल। ये साइट जो है इस पे जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, मतलब इसकी एक्यूरेसी पे मैं खुद ट्रस्ट नहीं करता और मैं खुद इसको यूज़ कभी नहीं करता हूँ। इनिशियली मैं इसको यूज़ करता था, लेकिन लेटर ऑन जो रिज़ल्ट इनके आते थे वो मुझे पता चले कि वो एक्यूरेट नहीं है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट रोबोट, और ये कैप्चा हम फिल कर लेते हैं यहाँ पे। आई गेस 2 ही है ना, नहीं 3 है। ओके, और चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी ये चेक कर रहा है, दूसरे वेबसाइट पे आते हैं जो कि है plagiarismdetector.net। यहाँ पे भी आप 1000 वर्ड तक चेक कर सकते हो और आपको बता रहा है कि टोटल वर्ड्स काउंट आपके कितने हैं। 1000 तक आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर आते हैं डुप्ली चेकर पे। डुप्ली चेकर भी मैंने काफ़ी यूज़ किया था, लेकिन उसके भी जो रिज़ल्ट है वो उतने एक्यूरेट नहीं हैं। तो फिर भी हम उसको यहाँ पे अभी चेक कर लेंगे। मोटरसाइकिल प्लेजरिज्म चेकर पे मैंने क्लिक कर लिया है। उसके बाद ग्रामरली का जो फ्री टूल है आपको उस पर भी चेक कर लेते हैं, स्कैन फॉर प्लेजरिज्म। ये सिर्फ आपको इतना ही बताएगा कि कितना प्लेजराइज्ड है या नहीं है, उतना ही यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये क्विकली देखिए सर्च हो गया यहाँ पे, सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म फाउंड, लेकिन कितना परसेंटेज है क्या है वो ग्रामरली फ्री वर्जन में आपको नहीं बताएगा। अलॉन्ग विथ प्लेजरिज्म आपको जो उनके अलग अलग फीचर्स है, लाइक ग्रामर है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन है, ये सारी चीज़ें ग्रामरली आपको बताता है। लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने ग्रामरली यहाँ पे यूज़ किया है, बिकॉज ग्रामरली में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कंटेंट कौन से साइट से प्लेजराइज्ड है। सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि वो कंटेंट आपका है जो प्लेजराइज है। इनकेस अगर आप डुप्ली चेकर यूज़ कर रहे हो या प्लेजरिज्म डिटेक्टर यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको शायद उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी प्लेजराइज है या नहीं है। शायद वो बताएंगे कि ओनली 3% ऑफ 4% ऑफ टेक्स्ट जो है प्लेजराइज्ड है, लेकिन आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ग्रामरली के साथ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रामरली को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आते हैं क्यूटेक्स्ट के ऊपर। क्यूटेक्स्ट में चेक फॉर प्लेजरिज्म में आता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देते हैं। तो ये चेक हो रहा है यहाँ पे, फिलहाल हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप 2000 के वर्ड चेक कर सकते हो, check-plagiarism.com पे 2000 तक के वर्ड आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आर्टिकल आपका उतना बड़ा है तो। बाकी के साइट पे आपको लिमिट 1000 वर्ड की ही है। उसके बाद आता है prepostseo.com, वहाँ पे भी हम सर्च शुरू करते हैं, वहाँ पे भी आपको 1000 वर्ड का ही लिमिट है। और लास्ट जो हमारी साइट है वो है plagiarismchecker.co। यहाँ पे सिर्फ आपको 800 वर्ड का जो लिमिट मिल जाता है, मतलब अगर आर्टिकल आपका बड़ा हो तो आपको यहाँ पे 800 वर्ड ही आप सर्च कर सकते हो। तो इसको भी हम अभी सिलेक्ट करते हैं, आई एम नॉट रोबोट।
यहाँ पे ये भी अभी सर्च करने लगा है, तो मेरे ख्याल से जो हमने पहले वेबसाइट सेलेक्ट कर ली थी उनका प्लेजरिज्म चेक करके हो चुका रहेगा। तो सबसे पहले अभी हम आते हैं स्मॉल SEO टूल पे, और जो आर्टिकल हमने यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट बता रहा है, सेंटेंस वाइज रिज़ल्ट बता रहा है, 27 मैचेस फ्रॉम 8 सोर्सेस प्लेजराइज बता रहा है। तो 18 सिमिलर वर्ड्स 100% बता रहा है, डेव पोस्ट से 100% सिमिलर डेव पोस्ट से आ रहा है, ये है वीयू को वर्ल्ड से आ रहा है, वुको वर्ल्ड, डेव पोस्ट, टिक टारगेट जिससे हमने कॉपी किया उसका जो सिमिलरिटी बता रहा है वो 58% बता रहा है स्मॉल SEO टूल। तो मैं वही आपको बता रहा था कि इसके जो रिज़ल्ट है वो इतने रिलायबल नहीं है, इसलिए मैं स्मॉल SEO टूल को यूज़ नहीं करता। तो उसके बाद हमने जो सेकेंड साइट डाला था प्लेजरिज्म के लिए वो था plagiarismdetector.net। तो यहाँ पे इसका सर्च नहीं हुआ है, आई थिंक यस हो चुका है, लेकिन एड्स शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पे मुझे वापस रिफ्रेश करके हम इसको वापस चेक कर लेंगे। फिलहाल हम आगे देखते हैं, डुप्ली चेकर पे भी अभी बता रहा है कि 100% प्लेजराइज्ड है, लेकिन सिमिलरिटी बता रहे ओनली 49% विद टेक टारगेट। और हमें पता है कि हमने जो आर्टिकल है वो टेक टारगेट से कॉपी किया है, दैट मीन्स जो प्लेजरिज्म दिखाना चाहिए, सिमिलरिटी दिखानी चाहिए, वो हमें techtarget.com से ही दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 49% सिमिलरिटी बता रहा है, और यहाँ पे 25% सिमिलरिटी बता रहा है दूसरे लिंक में, फिर वुको वर्ल्ड से बता रहा है और डेवपोर्ट से बता रहा है। उसके बाद ग्रामरली का हमने ऑलरेडी देखा था, वो तुरंत ही रिजल्ट शो कर दिया था। अब देखते हैं क्यूटेक्स का आप यहाँ पे देख सकते हो 100% प्लेजराइज बता रहा है, लेकिन उसमें से 85% जो है वो है techtarget.com पे आपको बता रहा है, जिस से हमने ये आर्टिकल कॉपी किया था। अलॉन्ग विद दैट ये डी सोशल इंटरैक्टिव ब्लॉग है कुछ, उससे भी थोड़ा 15% का सिमिलरिटी बता रहा है। और उसके बाद आते हैं फ्री अचेक plagiarism.com के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो 50% यूनिक और 50% प्लेजराइज कंटेंट बता रहा है। तो मेरी जो पहली सर्च थी उसमें इन्होंने 100% प्लेजराइज बताया था, लेकिन अभी यहाँ पे 50-50% बता रहा है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट है वो नीचे से थोड़ा कॉपी कर लिया है, पहले मैंने शुरुआत से कॉपी कर लिया था। अभी मैच्ड URL देखते हैं कौन कौन से URL यहाँ पे बता रहा है। तो जो टेक्स्ट हमने डाला है यहाँ पे 99% सिमिलरिटी बता रहा है टेक टारगेट से, जहाँ से हमने कॉपी किया है, बट ऑब्वियस, लेकिन 50% यूनिक कंटेंट जो यहाँ पे बता रहा है वो गलत है, क्योंकि ये कंटेंट 100% प्लेजराइज्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऑलरेडी जो एक जो साइट है वो गूगल पे है और ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है, उससे ही हमने ये कॉपी कर लिया है। तो उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं, ये हो गया प्लेजरिज्म, ये है प्री पोस्ट SEO हमको यहाँ पे 100% प्लेजराइज कंटेंट बता रहा है, और अभी इसके जो रिज़ल्ट है वो नीचे 6% सिमिलर टू टेक टारगेट और 2% सिमिलर टू टेक एक्सपोजर बॉक्स, ऐसा कुछ .com वेबसाइट है। शो ऑल में से आप नहीं कर सकते, आपको दो ही रिज़ल्ट इसने बताए हैं, बाकी अगर आपको रिजल्ट चेक करने होंगे तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप इनकी लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी आपको 100% प्लेजराइज कंटेंट है वो बता रहा है। उसके बाद आता है ये वाला वेबसाइट जो है plagiarismchecker.co, यहाँ पे आपको 800 वर्ड की लिमिट मिल जाती है, और यहाँ पे उनके रिज़ल्ट देखते हैं, 100% चेक किया है और उन्होंने 100% प्लेजराइज बताया है। जो कंटेंट हमने यहाँ पे डाला है मैच सोर्स करके देखते हैं, तो इन्होंने जो सिमिलरिटी है वो डेव पोस्ट से निकाली हुई है, और 12% ओनली है टेक टारगेट से बताई है। तो रिज़ल्ट है यहाँ पे काफ़ी मिक्स बताया है। तो ओवरऑल मुझे जो लगता है कि प्लेजरिज्म चेकर के जो रिज़ल्ट हैं वो फ्री वर्जन में थोड़े मिक्स मैच आपको मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले सर्च में किया था, तभी जो रिज़ल्ट है वो क्यूटेक्स ने 100% बताए थे, 100% टेक टारगेट को ही बताया था कि 100% वहाँ से ही कंटेंट आपका जो है वो आया है। एक वेबसाइट हमारी बची है, वो आई थिंक प्लेजरिज्म डिटेक्टर है, उसको हम वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक प्लेजरिज्म करके मैं करता हूँ, तो ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पे चेक कर लेगा।
तो फिलहाल हम बात करते हैं क्यूटेक्स की। तो क्यूटेक्स में अभी 85% बता रहा है, लेकिन जब मैंने पहले सर्च किया था तब क्यूटेक्स में ये 100% बताया था। तो और एक हम एक करेंगे कि जो हमने सर्च किया था व्हाट इज़ वेब 3.0, उसकी जो वेबसाइट थी हमने पहली वाली सिलेक्ट की थी, अभी हम चेंज करके कोई दूसरी वेबसाइट यहाँ पे लेते हैं जो कि थोड़ी नीचे रैंक की हुई है। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स का आर्टिकल है, तो उसमें से हम टेक्स्ट थोड़ी कॉपी कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये स्कैन अभी हो चुका है प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net का, और उन्होंने कंटेंट को 100% प्लेजराइज बताया, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे जो मैच सोर्सेज बताए हैं उसमें से 48% प्लेजराइज जो बता रहा है वो है टेक टारगेट, वो बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ 48% बता रहा है। उसके बाद में 16% प्लेजराइज बता रहा है वुको वर्ल्ड से, फिर 4% इनसाइट एक्स टू, फिर डेव पोस्ट से आ रहा है, फिर आ रहा है टेक रिपब्लिक से आ रहा है, फिर टेक टारगेट से वापस आ रहा है, मतलब पहले ऊपर थे 48, फिर 4% 52% हो गया, उसके बाद फिर 4% टेक टारगेट से ही आ रहा है, मतलब 56 हो गया, उसके बाद ये टेक एक्सपोजर बॉक्स से आ रहा है, फिर टेक टारगेट से आ रहा है 60% हो गया, और ये है स्टूडोकू, और उसके बाद 4% मीडियम से आ रहा है। मतलब देखा जाएगा तो 60% प्लेजरिज्म बता रहा है टेक टारगेट से ही, लेकिन हमें पता है कि ये 100% है एक ही वेबसाइट से, बट इन्होंने सिमिलर कंटेंट फाइंड आउट कर लिया अलग अलग वेबसाइट से, तो देखा जा सकता है कि प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net भी एक अच्छी साइट है जहाँ पे आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो और आपको 1000 वर्ड की लिमिट मिल जाती है। अलॉन्ग विथ क्यूटेक्स भी एक बढ़िया साइट है जहाँ पे आप फ्री में चेक कर सकते हो, आपको सिर्फ अकाउंट यहाँ पे बनाना है, वो बड़ी बात नहीं है, आप गूगल से भी साइन इन करके आप फ्री का जो वर्जन है क्यूटेक्स का वो यूज़ कर सकते हो। बट ऑब्वियसली वहाँ पे आपको लिमिटेशन है, आप दिन, अभी जैसा कि मैंने कहा आप 2 ही सर्च कर सकते हो फ्री में, उसके बाद आपको लॉग इन करना होगा, तो लॉग इन करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा वर्ड चेक करने हैं तो आपके पास आपको ये वाली जो साइट है check-plagiarism.com पे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूरेसी उनकी मुझे पसंद नहीं आई है, उन्होंने 50-50% बता दिया है, और ये भी उतनी रिलायबल मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज पहले रिजल्ट में उन्होंने 100% प्लेजराइज बताया था, अभी वो 50% प्लेजराइज बता रहे हैं, लेकिन जिस उन्होंने जहाँ से हमने ये जो आर्टिकल कॉपी किया था उस साइट के साथ 99% सिमिलरिटी बताई है, वो एक अच्छी बात है इस वेबसाइट की। लेकिन हाँ, प्लेजरिज्म में उन्होंने यूनिक भी बताया है, वो थोड़ा गलत यहाँ पे उन्होंने बताया है, तो ये साइट मैं बट ऑब्वियसली आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। तो क्यूटेक्स्ट हो गया और प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net हो गया, ये दो साइट से आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो, और आप जब भी कभी प्लेजरिज्म चेक करोगे तो मैं ऑलवेज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि या आप 2 या 3 वेबसाइट पर वो जो टेक्स्ट आपका रहेगा वो क्रॉस वेरीफाई कर लेना, बिकॉज फ्री में क्या होता है कि फ्री में जो डीप सर्च होता है वो नहीं होता है, तो आपको कहीं ना कहीं जो वेबसाइट्स रहती है वो थोड़ा ऊपर नीचे रिजल्ट देती है, तो इसीलिए जब भी आप कोई भी प्लेजरिज्म फ्री में चेक करना चाहते हो तो ज़रूर आप 2 या 3 वेबसाइट से आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो उसका, और उसके लिए मैंने आपको जो साइट बताया है वो एक क्यूटेक्स्ट हो गया, प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net हो गया, और एक हो गया ग्रामरली। ग्रामरली पे आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो प्लेजराइज्ड है या नहीं है। तो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में इतना ही,
अगर आप प्लेजरिज्म के रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी आपको यहाँ पे सजेशन देना रहेगा या कोई आप अगर ऐसे प्लेजरिज्म टूल को जानते हो वो बढ़िया रहे, काफ़ी एक्यूरेटली प्लेजरिज्म कंटेंट चेक करता है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।